वेलकम। जब वीडियो स्टार्ट कर ही रहा हूँ तो सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई प्रूफ देख लो दोस्तों कि मुझे इस लोन एप्लीकेशन के द्वारा मुझे अभी 75,000 का मुझे यहाँ पे लोन ऑफर कर रहा है, जो अभी आप अप्लाई प्रूफ देख सकते हो। और दोस्तों सबसे मजेदार की बात मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि यह मुझे 75,000 का जो यहाँ पे लोन ऑफर कर रहा है ओनली फॉर पैन का आधार कार्ड से। यानी दोस्तों पैन का आधार कार्ड से KYC कंप्लीट किया और मुझे अभी बता दिया गया कि मैं 75,000 का मैं इस लोन के एलिजिबल हूँ। दोस्तों अगर आपका भी मात्र 18 साल प्लस है और आपके पास अगर पैन का आधार कार्ड है ओनली फॉर KYC करके लोन लेना चाहते हो दोस्तों, यह लोन एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आपको इस लोन एप्लीकेशन आपको ओनली फॉर KYC करके लोन मिलता है। लेकिन दोस्तों आपको इस लोन एप्लीकेशन में कैसे लोन अप्लाई करना है और आपको जो लोन यहाँ पे दिया जाएगा उसको विद इन 2 मिनट्स के अंदर में ही अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हो, सभी कुछ हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप वीडियो को स्किप करते हो और एक मीटिंग आपसे मिस्टेक हो जाता है तो आपको इस लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो दोस्तों मैंने इस लोन एप्लीकेशन का लिंक अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप चाहो तो मैं दिए हुए डिस्क्रिप्शन से इस लोन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। और वैसे मैं दोस्तों वीडियो के बीच में बता दूंगा कि इस लोन एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारे दिए हुए लिंक से जैसा आप इस लोन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके फर्स्ट टाइम ओपन कर लोगे फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप इंटरफेस देखने को आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख यहाँ पर चूज लैंग्वेज, तो आपको लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कि आप कौन से लैंग्वेज इस लोन एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हो, इंग्लिश में करना चाहते हो या हिंदी में करना चाहते हो, वो अपनी सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर दोस्तों नीचे कंट्री का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से सीधा कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। जैसे कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप इंटरफेस देखने को आ जाएगा। दोस्तों आप यहां से आप देख सकते हो कि आप इस लोन एप्लीकेशन में मैक्सिमम यहां से 5 लाख तक का लोन ले सकते हो। दोस्तों आप यहां से लोन लेने के आपको करना क्या पड़ेगा, नीचे वो एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है लॉगिन साइन अप विद मोबाइल नंबर, तो आप इस वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। जैसे इस वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर अपना आ जाता है इंटर मोबाइल नंबर, तो यहां पर टेंट या कोई से एक मोबाइल नंबर इंटर कर लीजिएगा। फिर दोस्तों नीचे कंटिन्यू यहां पर ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहां से कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। जैसे कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक करोगे उसका जो वाले में इस लोन एप्लीकेशन में प्रोवाइड कराए थे उसी फोन नंबर पे एक OTP आएगा और आपका OTP यहां से ऑटोमेटिक ले लेगा। जैसे आपका OTP ऑटोमेटिक ले ले फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप इंटरफेस देखने को आ जाएगा। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो कि अब आपको इस लोन एप्लीकेशन में यहां परमिशन देना है, तो परमिशन देना यहां से आपको नीचे आना, नीचे आना दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो यहां पर एक चेक बॉक्स ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको चेक बॉक्स वाले ऑप्शन क्लिक करके नीचे आई एग्री का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहां से आई एग्री वाले ऑप्शन क्लिक करके इस लोन एप्लीकेशन वहां से लगातार परमिशन दे दोगे उसका दोस्तों फिर आपके सामने इस टाइप इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अब यहां से लोन लेने के लिए यहां पर आप देख सकते हो कंटिन्यू एप्लीकेशन यहां पर नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहां से वो कंटिन्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। जैसे कंटिन्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो कि ओनली फॉर 3 स्टेप में आप लोन ले सकते हो। सबसे पहला KYC डॉक्यूमेंट जैसा वो कंप्लीट करना है, उसका दोस्तों मैं जनरल इंफॉर्मेशन जैसा वो कंप्लीट करना है, उसका दोस्तों इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर देकर यहां से आप आसानी से लोन ले सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप में आया था KYC डॉक्यूमेंट, तो आपको इस वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। जैसे इस वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो KYC डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या देना पड़ेगा। सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हो एड्रेस प्रूफ यहां पर आपको देना है और यहां से एक सेल्फी अपलोड करना है, तो आपको दोस्तों एड्रेस प्रूफ में आपको यहां सबमिट वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। जैसे सबमिट वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो आधार KYC का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको उस वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। जैसे उस वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो नीचे कंटिन्यू का यहां पर ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहां से वो कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। जैसे कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक करोगे उसका दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो यहां पर बताया जा रहा है कि आपको एक लोकेशन यहां से ऑन करना था, टर्न ऑन वाले ऑप्शन क्लिक करके इस लोन एप्लीकेशन फिर से परमिशन दे देना है। जैसे फिर से परमिशन दोगे उसका दोस्तों आपके सामने इस टाइप इंटरफेस देखने को आ जाएगा। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो यहां पर आता है इंटर आधार नंबर, तो दोस्तों आपका आधार का 12G नंबर इंटर करके आपको चेक बॉक्स वाले ऑप्शन क्लिक करके नीचे सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहां से वो सबमिट वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। जैसे जैसे सबमिट वाले ऑप्शन क्लिक करोगे उसका दोस्तों आधार कार्ड जिस भी मोबाइल नंबर से लिंक होगा उस फोन नंबर एक 6 डिजिट OTP आया, तो OTP इंटर करके वहां से वो कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक करके अपना आधार कार्ड से वेरीफाई कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं इसी प्रकार से आधार कार्ड वेरीफाई कर लेता हूं, तो आप अपना आधार कार्ड सेम इसी प्रकार से वेरीफाई कर लीजिएगा। जैसे वहां पर आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप इंटरफेस देखने को आ जाएगा। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू टेक सेल्फी, तो यहां से प्रोसीड टू टेक सेल्फी वाले ऑप्शन क्लिक करके आपका कैमरा को अलाउ कर देना है। जैसे कैमरा को अलाउ कर लोगे उसका दोस्तों आपके मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा, उसका दोस्तों एक अच्छा सा क्लियर सेक सेल्फी इस लोन एप्लीकेशन में प्रोवाइड करा देना है। तो चलिए दोस्तों मैं एक अच्छा सा क्लियर सेक सेल्फी प्रोवाइड करा के मैं अपने यहां से KYC कंप्लीट कर लेता हूं। जैसे वहाँ जरा KYC कंप्लीट कर लोगे फिर दोस्तों यहाँ से आप सीकेंड स्टेप में आ जाओगे जनरल इन्फॉर्मेशन में, तो अपना जनरल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर मैरिटल स्टेटस, तो यहाँ अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना कि आप मैरिड हो या सिंगल हो या आपका डिवोर्स हो चुका है वो इंटर कर लीजिएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर आ जाता है एडुकेशन, तो दोस्तों एडुकेशन में आप कहाँ तक पढ़े लिखे वो इंटर कर लीजिएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर ऑक्यूपेशन देखने को मिल जाता है दोस्तों अपना मतलब क्या हो वो इंटर कर लीजिएगा, सैलरी पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉयड अपनी यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपने जो मतलब जो भी अपना आधार कार्ड दिया उसी सेम ही एड्रेस पर आप यहाँ से रहते हो तो आपको चेक बॉक्स क्लिक कर लेना है।
फिर यहाँ पर आप देख सकते हो आप जिस घर में रहते हो खुद का घर है या रेंट पे रहते हो वो इंटर करके उसका दोस्तों नीचे फिर से कंटिन्यू का यहाँ पर ऑप्शन देखने मिलेगा। तो यहाँ से फिर से कंटिन्यू वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। जैसा जनरल इन्फॉर्मेशन इंटर करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों यहाँ से आ जाओगे थर्ड स्टेप में दोस्तों इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर में। तो इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर में दोस्तों यहाँ पर दो नंबर देना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप जिनका नंबर दे रहे हो वो फादर लगते हैं मदर है या और मतलब दोस्त या क्या वो इंटर कर लीजिएगा। फिर दोस्तों उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर कर लीजिएगा। फिर दोस्तों सेकंड में आप किसी एक दोस्त का मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है दोस्तों उनका नाम इंटर करूंगा मोबाइल नंबर इंटर करके नीचे कंटिन्यू का यहाँ पे ऑप्शन देखने मिलेगा। तो यहाँ से वो कंटिन्यू वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। जैसे वाला कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक कर लो फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि एप्लीकेशन सबमिट में जा चुका है और यहाँ पर वो करना क्या पड़ेगा यहाँ से वो 10 से 12 मिनट वेट कर लेना है। 10 से 12 मिनट के बाद दोस्तों आपको लोन एप्लीकेशन को ओपन करना है। 10 से 12 मिनट दोस्तों आपको बता देगा कि आप जैसे कितना लोन के एलिजिबल हो। तो चलिए दोस्तों मैं 10 से 12 मिनट समथिंग मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूँ। दोस्तों मुश्किल से मैंने यहाँ पे 6 से 7 मिनट के बाद इस लोन एप्लीकेशन को ओपन किया और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे यहाँ से लोन ऑफर बता दिया गया। दोस्तों मेरे लिए यहाँ पे एक लोन ऑफर आ गया कि मैं 75 का मैं लोन लेके एलिजिबल हूँ और यह जो 75 का दोस्तों यह जो लोन है यह मुझे 1 साल के लिए मुझे यहाँ पे लोन दिया जाएगा। दोस्तों 12 मंथ के लिए मुझे यहाँ पे लोन दिया जाएगा। हो सकता है आपके केस में 1 लाख 1.5 लाख का लोन ऑफर करे 50,000 का 20,000 का लोन ऑफर करे वो आपके आधार कार्ड के बेस पर बताएगा कि आप कितना लोन के एलिजिबल हो। दोस्तों अब आपको लोन अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में लेने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर गेट नाउ का ऑप्शन देखने मिलेगा। तो यहाँ से गेट नाउ वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। जैसे वाला गेट नाउ वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों का लोन अमाउंट ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा कि आपको कितना लोन ऑफर किया गया उसका दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो यह जो लोन अमाउंट दोस्तों यह मुझे 1 साल के लिए यहां पे दिया जा रहा है और यहां पर आप देख सकते हो अगर मैं यहां से 1 साल का लोन लेता हूं और वो भी मतलब 75,000 का तो मेरा पर मंथ ईएमआई यहां पर आप देख सकते हो कि 7165 यहां पे 65 मेरा पर मंथ ईएमआई हो जाएगा और यहां पर आप देख सकते हो मैं ऐसे मिनिमम 10,000 का लोन ले सकता हूं मैक्सिमम ऐसे मतलब 75,000 का लोन ले सकता हूं। तो दोस्तों अपना लोन अमाउंट यहां पे इंटर कर लीजिएगा कि आपको कितना लोन अमाउंट को नीड है उसका दोस्तों मैं मंथली ईएमआई यहां पे सेट कर लीजिएगा कि आप कितना मंथ के लोन अमाउंट को लेना चाहते हो उसका दोस्तों अगर आपको लोन का और डिटेल्स देखना तो नीचे वो ऑप्शन देखने को मिलेगा व्यू समरी एंड चार्जेस का। तो यहां से वो व्यू समरी एंड चार्जेस वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। जैसे वाला व्यू समरी चार्जेस वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को आ जाएगा। तो उसमें आप देख सकते हो टोटल इंटरेस्ट यहां पर कितना लगेगा यहां पर आप देख सकते हो आपका एनुअल परसेंटेज कितना लगेगा यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों कि आपका मतलब जो यहां पर प्रोसेसिंग फीस कितना लगेगा आपका जीएसटी कितना लगेगा आपके अकाउंट में मतलब कितना रुपया डिस्पर्स किया सभी कुछ यहां पर आप देख सकते हो। दोस्तों अगर आपको इस लोन अमाउंट को लेना है अपने बैंक अकाउंट में तो नीचे वो ऑप्शन देखने को मिलेगा व्यू रिपेमेंट शेड्यूल का। तो यहां से व्यू रिपेमेंट शेड्यूल वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। जैसे वाले व्यू रिपेमेंट शेड्यूल वाले ऑप्शन क्लिक कर लो फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मैं 1 साल का यहाँ से 75 का लोन लेता हूँ मेरा पर मंथ ये मैं कब का मुझे कितना देना सभी कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों मैं लोन के पे सभी डिटेल्स देख लीजिएगा उसका दोस्तों अगर आप यहाँ से लोन लेना है फिर से नीचे कंटिन्यू का यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ से फिर से कंटिन्यू वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। जैसे वाला कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक कर लेगा फिर दोस्तों यहाँ पर आता है लोन पर्पस तो आपको अपना लोन पर्पस यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। फिर दोस्तों नीचे कंटिन्यू का यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ से वो कंटिन्यू वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप इंटरफेस देखने को आ जाए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट। तो दोस्तों आपको अपना बैंक में यहाँ पर ऐड करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक आईएफएससी कोड यहाँ पर इंटर कर देना है। फिर दोस्तों अकाउंट नंबर इंटर कर देना है फिर कन्फर्म अकाउंट नंबर इंटर करके नीचे वो ऑप्शन मिलेगा ऐड अकाउंट का। तो यहाँ से वो ऐड अकाउंट वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। जैसे वहाँ से ऐड अकाउंट वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों आपके सामने आ जाएगा लोन एग्रीमेंट। तो दोस्तों यहाँ से लोन एग्रीमेंट यहाँ से साइन करना है दूसरा करना क्या पड़ेगा नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ से वो फिर से कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक करके अपना लोन एग्रीमेंट यहाँ से साइन कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं अपना लोन एग्रीमेंट मैं यहाँ से साइन कर लेता हूँ। जैसे वहाँ अपना लोन एग्रीमेंट साइन कर लोगे फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो लोन अमाउंट आपको देखने को मिल जाएगा उससे यहाँ पर आप देख सकते यहाँ पर बताया जा रहा है योर लोन विल प्रोसीड इन 1 आवर। यहाँ दोस्तों आपके अकाउंट में 1 घंटा के अंदर में आपके बैंक अकाउंट से पैसा क्रेडिट कर जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक यहाँ पर डिटेल्स भी देखने को मिल जाएगा कि इसी बैंक अकाउंट में 1 घंटा के अंदर में आपका अमाउंट यहाँ से क्रेडिट कर दिया जाएगा। दोस्तों आप जगह सेम इसी प्रकार से लोन अप्लीकेशन के अंदर जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको सभी कुछ स्टेप बाई स्टेप बता दिया कैसे लोन अप्लाई करना आपको जो अमाउंट मिलेगा उसको मैं बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब ये भी बता देता हूँ कि इस लोन अप्लीकेशन का नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो इस लोन एप्लीकेशन का नाम है क्रेडिट बी पर्सनल लोन ऐप का जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल। आप जैसे प्ले स्टोर पर जाओगे और क्रेडिट बी पर्सनल लोन एप्लीकेशन सर्च करोगे यह लोन ऐप आपको फर्स्ट में ही देखने को मिल जाएगा। तो आप जाकर इस लोन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके सेम इसी प्रकार से इस लोन एप्लीकेशन के अंदर जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो। वेल अगर मान लेते हैं किसी भी कारणवश वो क्रेडिट बी पर्सनल लोन ऐप के अंदर लोन नहीं मिलता है आपका लोन रिजेक्ट कर दिया जाता है या अगर आपको लोन ऑफर ही नहीं किया जाता है तो अब आप उस कंडीशन में करना क्या पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपका एज मात्र 18 साल प्लस है और आपके पास अगर पैन का आधार कार्ड है ओनली फॉर KYC करके लोन लेना चाहते हो और लोन अमाउंट की बात कर लो तो मिनिमम 5 साल का और मैक्सिमम 1 लाख का तो मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको एक 15 एप्लीकेशन का लिंक देखने को मिलेगा। तो आप जाकर उन 15 एप्लीकेशन के अंदर जाकर अप्लाई कर सकते हो। उन 15 एप्लीकेशन का कोई भी इनकम कोई सैलरी वगैरह आपको अपलोड नहीं करना है बस आपके पास पैन का आधार कार्ड होना चाहिए तो आप उन 15 एप्लीकेशन का अच्छे खासे लोन ले सकते हो। दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं दोस्तों कि मैंने वहाँ पर उन 15 एप्लीकेशन जितने भी लोन एप्लीकेशन दिए हैं सभी NBFC रजिस्टर है और मैंने आपको सभी में लाइफ प्रूफ लोन लेकर भी दिखाया हुआ है। तो आप जाकर उन 15 एप्लीकेशन के अंदर जाकर विजिट कर सकते हो। आपको यहाँ से अगर लोन नहीं मिलता है तब दोस्तों बस का आज की इसमें इतना गाइस। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।